चंद क्वेश्चन थे, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर थे, ऑड वन छाटना, मैच द फॉलोइंग करना, ये तरीके मैंने बताए और सी यू टू पे आप कंफ्यूज हुए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको इस पे भी फोकस करना है, इसी तरह से बताने हैं जैसे पहले बताए थे। देखो बच्चों, क्वेश्चन है द लाइटिक एंजाइम, आपको फिर छापना है, इंपॉर्टेंट सा है, द लाइटिक एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म इस। अब क्या होता है कि बस हमें ये पता होता है कि एंजाइम है, हमने कुछ नाम सुने हुए होते हैं कि एक तो एक्रोसोम नाम सुना होता है आपने, समझे, एक लाइगेज बड़ा कॉमन सा एंजाइम है। आप ये सोचते हैं जिस भी एंजाइम का नाम सुना उन्हीं में से कर। अच्छा, कुछ नए से एंजाइम के भी नाम आ जाते हैं, तो फिर कभी कभी हमें क्या लगता है कि जो नया है जो हमने नहीं सुना कहीं वो तो नहीं है, जैसे एंड्रोगेमोन। और चौथा ऑप्शन दिया है इसने हायलू, हाया लू, रॉनी डेज, याद भी इसे रखना होगा, हाया लू रॉनी डेज, हाय आलू रॉनी डेज, याद करने का तरीका। तो बेटे अगर हम एक्रोसोम की बात करें तो ये तो कैप हो गई स्पर्म की, ठीक है, ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में भरा रहता है वो एंजाइम। लाइगेज की बात करें तो ये तो बांधने वाला है, एंड्रोगमन बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, हाय आलूरोनिडेज यही है जो आप ढूंढ रहे थे। ये नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आज का, कंफ्यूजन क्या कहें, बस है तो इजी सा ही, मैच द कॉलम, क्योंकि ये बहुत आते हैं ना, और इसे सॉल्व करने से ये फायदा रहता है कि एक में चार चार चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं, तो अगर अलग अलग भी क्वेश्चन बन जाए तो चार तो आप बना ही लोगे, इसलिए आपको मैच द कॉलम बहुत ढंग से तैयार करना चाहिए। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है गोनोरिया, दूसरा इन्होंने लिखा है सिफिलिस, तीसरा इन्होंने लिखा है जेनाइटल वार्ट्स, और चौथा इन्होंने लिखा है एड्स। अब इन्हें देखने से ये तो क्लियर है कि ये सारी की सारी कोई ना कोई बीमारी है। अच्छा, इन्होंने हमें चार इनके आंसर दिए हैं, गलत हैं या सही हैं हमको नहीं मालूम, तलाश करेंगे। HIV, निसेरिया, NEIESSERIA,
100% आपने नहीं पढ़ा। ट्रेपोनीमा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। ह्यूमन, पेपिलोमा, वायरस। अब होता क्या है कि समस्या कहां पर आती है कि अब इसमें से हमारा एक तो पढ़ा लिखा सा है, दूसरा हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो हमें आंसर कैसे निकालें? ठीक है, देखो हमारे पास, हम बहुत ढंग से जानते हैं कि ये जो एड्स है, एड्स किसके द्वारा होता है? आप बहुत ढंग से जानते हैं। डी का कौन होगा? एड्स डी का वन, ये वाली हो गई ना, ये तो एचआईवी और एड्स तो बिल्कुल पहचान में आ गया। अब क्या है, इसके बाद हमको ना ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आपके सामने मैं ऑप्शन दे रहा हूं पहचानने के लिए, कभी कभी बिना ऑप्शन के आंसर नहीं होता। टू थ्री फोर वन, थ्री फोर वन टू, फोर टू थ्री वन, फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन। अगर हम ये वाले आंसर देखें तो इसमें से हमको कितने ऑप्शन मैच कर रहे हैं? डी का वन कितने में आ रहा है? दो में आ रहा है। तो या तो ये वाला है या फिर ये वाला है। ओहो, डी का वन तीन तीन में आ रहा है भैया, या ये वाला है? डी का टू एक में आ रहा है, ये वाला 100% नहीं है। चलिए अब बात आती है, हमें इनमें से कई नहीं मालूम। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कहां पर बनती है? गोनोरिया होता है व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइनल कैनाल। सिफिलिस, सिफिलिस होता है एसटीडी, है ऐसा दो तीन एसटीडी है इसमें। जेनाइटल वार्ट्स होता है जेनाइटल रीजन पर फोड़े फुंसी हो जाना। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि ये जो जेनाइटल वार्ट है, ये एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है इसके लिए बहुत कॉमन है। ये अधिकतर इसी से होता है। ये मैं इसको मैच कर रहा हूं, एक हमें अंदाजा लगाया। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि सामने जो आपके लिखा हुआ है तो ये क्या कहीं पे जेनाइटल वार्ट्स में ह्यूमन पेपिलोमा यानी फोर आ रहा है, एक में आ रहा है, और कहां कहां पे ये फोर बन रहा है? ए वाले में भी एक जगह फोर है, ए का फोर दिया है एक में ऑप्शन, यानी गोनोरिया इससे हो रहा है। जहां दो दो ऑप्शन मिलते हैं वो मैच अधिकतर कर रहा होता है, ये दो मैच कर रहे हैं, यानी सी भी हो सकता है डी भी, ये भी दो मैच कर रहे हैं, यानी वन भी हो सकता है, सी भी हो सकता है डी भी। अब इन दोनों में ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो रही है कि देखो डी का तो वन है ही और दोनों में ही वन आ रहा है, दोनों में ही फोर आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका आंसर हो। इस चक्कर में आदमी कभी कभी उल्लू बन जाता है, लेकिन हमको सटीक जब तक नॉलेज ना हो ये नहीं होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, नहीं आएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं बाई चांस आ जाए, नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हम वायरल डिजीज में पढ़ाया करते हैं जेनाइटल वार्ट्स के लिए, ठीक है, और ये सिर्फ एक में आ रहा है, तो हमारा इसका आंसर
ए रहेगा। अब थोड़ा सा टफ लगा मुझे मालूम है, मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया देना चाहिए था आपको, दूसरा दे रहा हूं, थोड़ा इजी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को घबराहट थोड़ी कम हो, ऐसा ना आ जाए, ऐसा ना आ जाए सोचते रहोगे नहीं तो। एक और मैच द कॉलम है आपका फेवरेट सा, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस वाले को, ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है जो मैं लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपकी एनसीईआरटी का, ये इसलिए ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। एक चीज हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, लिखते ही समझ गए कि स्पर्म बनना, कॉर्पस ल्यूटियम, आप ये भी समझ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है जब ओवरी के अंदर है ये वाला हिस्सा कॉर्पस ल्यूटियम, फीटस, और लीडिक सेल। सारे पढ़े हुए इसमें मना नहीं कर सकते। अब आपके पास अब की बार इसलिए कंफ्यूज करने को ज्यादा ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला यूटेरस, दूसरा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, चौथा एस्ट्रोजन, पांचवा प्रोजेस्टेरॉन। सबसे पहले वो देखो जो तुमसे आता है सबसे पहले, उसके बाद सबसे लास्ट तक उस पे पहुंचो तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। तो सबसे पहले वो देखते हैं जो आपको आता है, ठीक है। देखो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होना, इसमें से स्पर्म के फॉर्मेशन से कौन सा रिलेटेड है, कोई भी बच्चा बताए। बी यूटेरस में बच्चा रहता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को जर्म लेयर कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कौन सा बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बिल्कुल सही बात, इसका होगा ए। चलिए हो सकता है ये गलत हो, ऑप्शन हम बाद में ढूंढेंगे, पहले अपना छांट लेना चाहिए, और कभी ऑप्शन सीधा मिल रहा हो तो कर लेना चाहिए। कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, अब ये चार हार्मोन बचे यानी तीन हार्मोन है, तो कोई ना कोई से हार्मोन ही निकलता होगा। सबसे पहले ये ना देख लें कि फीटस काय में रहता है, तो फीटस काय में रहता है यूटेरस तो इसका तो सी हो गया। समझे? तो अब हम जरा ऑप्शन डालते हैं, ऑप्शन से इजी करेंगे, कोट्स दे रहा हूं। आपका कहीं पे आंसर पकड़ में आ रहा है क्या?
तो आपका था सीका वन, ये रहा आपका था एका थ्री, ये रहा एका थ्री इसमें भी है लेकिन सीका वन नहीं है। आंसर क्या रहा? ए पार्ट, ए बिल्कुल ऑप्शन। सही है। अब इसके साथ ही, क्योंकि अभी हम रिवीजन के दौर से हैं, हमको ये वाली बात पता हो जानी चाहिए, तुरंत हमें बाकी की चीजें प्रैक्टिस करते समय जान लेनी चाहिए। ए का थ्री यानी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, कॉर्पस ल्यूटियम। बी का फाइव यानी कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनता है। सी का वन थाई, डी का टू, लिडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। हमें ये वाली बात बिल्कुल पक्की तरीके से याद करनी चाहिए। दो शब्द यहाँ पे नए आए, पहला कॉर्पस ल्यूटियम, नए तो नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम याद रखेंगे आप लोग, इससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है। और लिडिक सेल ये किससे कंसर्न है? टेस्टोस्टेरोन से। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। ये आपने सही जवाब दिया, खुशी की बात है। अगला थोड़ा सा और दिमाग लगवाते हैं आपसे, प्लेसेंटा के हार्मोन पे जाते हैं, समझे? मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको प्लेसेंटा का हार्मोन जरूर रटा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है, हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। आगे एक और लाइन लिख रहा हूं, टू मेंटेन प्रेगनेंसी। आर पहला ऑप्शन, एच सी जी दूसरा ऑप्शन, एच सी जी तीसरा ऑप्शन, एच सी जी चौथा ऑप्शन, एच सी जी। ये तो होता ही है, हम सभी जानते हैं, चारों में लिख दिया। एक और एच पी एल, एच पी एल, एच पी एल, अगले में नाम बदला, प्रोजेस्टोजन। इसमें भी प्रोजेस्टोजन, इसमें भी ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन की जगह, और अगले वाले में प्रोजेस्टोजन। इसमें भी ऑस्ट्रोजन, और कोई बचता है? यस, पहले वाले में चौथा एस्ट्रोजन, अगले वाले में दो और हैं, रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन, अगले वाले में प्रोलैक्टिन,
अगले वाले में एक और है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब हमें इसमें से छांटना है। देखो बहुत सारे मैच कर रहे हैं, तो जो नहीं है पहले उसे पकड़ लें कि ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले उन्हें पकड़ें। ठीक है, सब में से नॉट नॉट वाले निकाल दो, असली वाला बच जाएगा। किसी को कोई समझ में आ रहा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता वो मुझे बी बताओ। पार्ट, उनको मैं सर, एक सेकेंड, कौन सा बेटा? बी पार्ट, बी में कौन सा वाला बिल्कुल नहीं हो सकता? ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल सही बात है, ये एक कैंसिल। कभी कभी हमको हाथ घुमा के नाक पकड़नी पड़ती है, सीधे से नहीं तो राइट से, तो इसलिए हम इसमें जा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि भैया बहुत सारे हैं। तो ये तो बिल्कुल पक्की बात हो गई कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब और कौन सा, कोई भी बताए। ये किसने बताया? चलो कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन डी में कौन सा वाला नहीं हो सकता? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो भी। बिल्कुल सही, ये किसने बताया? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बिल्कुल नहीं हो सकता, ये वाली बात से भी मैं एग्री हूं। अब हमारे पास दो बच्चे। ए पार्ट प्रोलैक्टिन नहीं, अभी हमको दो बच्चे हैं, एससीजी दोनों में, एचपीएल दोनों में है, एक में प्रोजेस्टोजन है, ये भी दोनों में है, एक में एस्ट्रोजन है और एक में प्रोलैक्टिन है। अब हमें दोनों के बारे में पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम देखना चाहिए कि प्रोलैक्टिन को कौन सीक्रीट करता है या एस्ट्रोजन को। किसी को मालूम है तो मुझे जवाब दे, नहीं तो आगे बढ़े। प्रोलैक्टिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। प्रोलैक्टिन जो है सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। अच्छा, ऑक्सीटोसिन किससे सिक्रीट होता है? तो फिर हमें ये वाली बात भी पता होना चाहिए, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही। ठीक है, ये नहीं जो हो सकता था, ये भी इसी से होता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ गया, ये किससे होता है? ये किडनी के ऊपर जो एड्रीनल होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स। तो हमारा आंसर यहां पे फाइनल कौन होता है? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वालों में से क्वेश्चन है, हार्मोन की वजह से। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब प्लेसेंटा बड़ा फेवरेट रहा है लोगों का एग्जाम में देने के लिए, अगला क्वेश्चन भी उसी पे है। Which one of the following is not
फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, इनमें से कौन प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है? इसका मतलब चार तो 100% फंक्शन हो गए। तीन, पहला सिक्रीट एस्ट्रोजन, दूसरा फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, तीसरा सिक्रीट्स, लड़कों में से कोई जवाब देगा, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरिशन, पार्चुरिशन मतलब बच्चा पैदा होना, चौथा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट टू एम्ब्रियो। लड़को तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया है, ऊपर वाले से ही कंसर्न है, इसलिए आप बिना डरे इसका जवाब मेरे को दीजिए। सी पार्ट सर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि अभी मैंने क्या ऑक्सीटोसिन बताया प्रेगनेंसी था इसके बारे में, क्योंकि के समय रिलीज नहीं होता ऑक्सीटोसिन। ये किससे रिलीज होता है फिर? हाँ, क्योंकि हमें अब ये मालूम है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाला है, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे ईजी सा तो नहीं है, बस थोड़ा सा घुमावदार है, आपको इसमें से आंसर देना है। फंक्शन ऑफ कॉपर आयन, इन कॉपर रिलीजिंग आउट IUDs, इन कॉपर टी इज, पहला दे सप्रेस स्पर्म मोर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, अगला दे मेक यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, बच्चे को उसमें रखने के लिए अनसुटेबल कर देता है यूटेरस को, या ओव्यूलेशन नहीं होने देता। दे इनहिबिट
ओव्यूलेशन, ये कॉपर आयन फीमेल में क्या एग नहीं बनने देते। अब हमको इनमें से छांटना है, बताइए। देखो, कोई भी आंसर देना चाहे लड़कियों में, है ए ऑप्शन, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस से कोई मतलब नहीं, ओव्यूलेशन से कोई मतलब नहीं, यूटरस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा इम्प्लांटेशन के लिए, ये सिर्फ स्पर्म की मूवमेंट पे असर डालता है। आपका सही जवाब था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं जेनेटिक्स का लूंगा।